जैसे कि आपको पता होगा कि हमने पहले दो वीडियो बना चुके हैं इस सीरीज़ के, आज मैं तीसरी वीडियो के साथ आया हूँ आपको, और ये पार्ट नंबर थ्री का। जल्दी से हम सवालों की जानिब चलते हैं, और ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें आपको 400 एमसीक्यूज़ कवर करूँगा, और इसमें इस्लामियात के आपके तमाम जो एमसीक्यूज़ आते हैं पेपरों में जॉब्स के लिए, टेस्ट के लिए, वो सब कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें चलते हैं सवाल की जानब। इन हाई थ्रोविंग स्टोनिंग टू डेवल इज कॉल्ड रमी, जो शैतान की तरफ, हज के मौके पर शैतान की तरफ जो कंकरियां फेंकी जाती हैं उन्हें रमी कहते हैं। सेकंड, इन हज ट्रैवलिंग सेवन टाइम्स बिटवीन माउंट सफा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड सही, जो सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ा जाता है, चक्कर लगाया जाता है, उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही। सवाल नंबर तीन, द फर्स्ट उमैया खलीफा वाज अमीर माविया, जो फर्स्ट उमैया खलीफा था वो अमीर माविया था। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेंड हिज मैसेज टू द किंग बियॉन्ड अरेबिया कॉलिंग देम टू इस्लाम इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट द क्रेडेंशियल ऑफ हिज मैसेंजर ए डैश सील वाज मेड, कौन सी सील लगाते थे जो जो लेटर भेजते थे उसके ऊपर सील जो लगाई जाती थी लेटर को बंद करने के लिए, वो सिल्वर की सील होती थी। सवाल नंबर पाँच, इन द बैटल ऑफ ओद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेलेक्टेड डैश स्किलफुल आर्चर टू स्टे ऑन द माउंटेन साइड, ये जो ओहद के मैदान पे आप सल्लम ने पहाड़ के पीछे कितने तीर अंदाजों को मुतय्यन किया था? वो 50 थे। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट मूसा एंड प्रॉफिट हारून, मूसा और हारून के दरमियान, वो आपस में भाई थे हजरत मूसा और हारून। बैतुल ममूर इज ऑन डैश हेवन, हेवन सात पे, सातवें आसमान पे बैतुल ममूर है। और सवाल नंबर आठ, मास्क ऑफ डैश वाज डिमोलिश बाय प्रॉफिट, कौन सी मस्जिद थी जिसे डिमोलिश किया गया था, ख़त्म किया गया था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया था, वो मुनाफिकों की एक मस्जिद थी, वो ज़रर था, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर नौ, हजरत डैश कंक्वर्ड ऑफ फोर्ट ऑफ कमस, ये किला कमस था जो हजरत अली ने फतह किया था। सवाल नंबर, इसका जवाब ए आएगा। लेडी नेम डैश ट्राइड टू पर्सन द होली प्रॉफिट, जो औरत थी जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश थी की थी वो जैनब उसका नाम था, ऑप्शन नंबर सी। प्रॉफिट रिसाइटेड डैश द एट द कंक्विस्ट ऑफ मक्का, सूरत फातिहा पढ़ी थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का के मौके पर सूरत फातिहा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत किया था की थी। सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन, सेकंड माइग्रेशन जो हुई थी वो हिजरत थी, वो 616 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड ऑफ खतीजा डैश कैरिड मैसेज ऑफ निकाह, वो उनकी जो दोस्त थी निकाह का मैसेज लाई थी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो उसका नाम था नफीसा। सवाल नंबर 14, अब्दुल मुतलिब डाइड इन डैश एडी, 578 एडी में अब्दुल मुतलिब वफात पा गए थे। फॉर डैश ईयर हलीमा टुक केयर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और 6 साल तक हजरत बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। सवाल नंबर 16, फॉर डैश ईयर्स अब्दुल मुतलिब टुक केयर ऑफ प्रॉफिट टू, अब्दुल मुतलिब दादा अब्दुल मुतलिब जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने 2 साल परवरिश की थी। सोशल बाइकाट ऑफ बनू हाशिम टुक प्लेस इन 7th नबवी, या ऑप्शन नंबर डी आएगा, 7th नबवी में हुआ था। सोशल बाइकाट कंटिन्यू फॉर डैश ईयर्स, ये सोशल बाइकाट जो था वो कितने साल तक जारी रहा था? वो 3 साल तक। ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज डैश बिन हिशाम, उमर बिन हिशाम इनका ओरिजिनल नेम था। और आखिरी सवाल जो है, अबू अल हाकिम इज द टाइटल ऑफ अबू जहल, ये अबू अल हाकिम भी इसका टाइटल था अबू जहल का, और उसे अबू जहल को अबू अल हाकिम भी कहा जाता था। इसके साथ
हमारी वीडियो ये अख्ताम होती है। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें और बेल का आइकन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।